कि स्विच कितने प्रकार की होती है और स्विच कार्य कैसे करती है। तो ये जो स्विच होती है ना, बटन होती है ना, अलग अलग बोर्डों में अलग अलग जगहों पे, जैसे देखिए ये अलग अलग तरीके के स्विच हमने कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, तो अलग अलग तरीके के स्विच हमें देखने को मिल जाती है। तो आखिर वो कितने प्रकार की होती है और वो काम कैसे करती है, किस स्विच से क्या फायदा, किसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करें कि स्विच होती क्या है या स्विच कार्य क्या करती है, तो इतना समझिए कि स्विच दो पॉइंट को आपस में कराना और हटाना, इतना ही काम होता है। जैसे जैसे गाड़ी का हॉर्न जब हम दबाते हैं ना ऐसे, तो उसके अंदर दो तार होते हैं और वो दोनों तार आपस में टच हो जाते हैं, और जब टच हो जाते हैं तो हॉर्न तक सप्लाई पहुंचती है, जिसकी वजह से वो बजने लगता है। प्रकार से कोई भी उपकरण हो वो काम तभी करता है जब उसमें न्यूट्रल फेस दोनों पहुंचे या फिर प्लस माइनस दोनों पहुंचे। तो स्विच का काम बस इतना होता है कि दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना होता है। जिस प्रकार से जैसे समझिए एक बल्ब है, और अगर इस बल्ब में एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर जोड़ दिया जाए तो ये बल्ब जलने लगेगा, लेकिन अगर इसके एक तार को कहीं से तोड़ दिया जाए तो ये बल्ब नहीं जलेगा। स्विच का कार्य यही होता है। अगर इसके दोनों पॉइंटों को हम हाथ में पकड़ लें ऐसे और दोनों को आपस में टच कराएं तो बल्ब जलने लगेगा, हटा लें तो बल्ब नहीं जलेगा। स्विच का काम यही होता है कि इन दोनों पॉइंटों को आपस में टच कराती है और हटाती है। मतलब समझिए, अगर यहां पर हम बोर्ड की स्विच लगा दें तो स्विच के एक तार को एक में जोड़ दें और दूसरे को दूसरे में जोड़ दें, और जैसे ही स्विच को हम प्रेस करेंगे नीचे की साइड में, ऊपर वाला पॉइंट नीचे से हो जाएगा और जैसे ही टच होगा ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा और हमारा जो भी उपकरण है वो काम करने लगेगा। मतलब स्विच एक रास्ता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। लेकिन स्विच हमारी जो होती है ना वो कई प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले नॉर्मल स्विच की बात करें तो जो हमारे बोर्ड के अंदर स्विच लगती है यह एक नॉर्मल स्विच होती है। देखिए यहां पर ये वाली स्विच हमारी, ये दूसरी वाली स्विच, चाहिए वाली स्विच, ये नॉर्मल स्विच होती है और इसका काम दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना होता है। इसलिए इस स्विच को हम बोलते हैं वन वे स्विच। मतलब कि जैसे देखिए इसमें तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट है वो दो पॉइंट है ना, वन वे स्विच। वन का मतलब एक और वे का मतलब रास्ता, और स्विच मतलब एक रास्ते वाली स्विच। मतलब अगर फेस की सप्लाई को यहां पर एक में दिए और यहां से ले लिए तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे ये पॉइंट एक से होगा। मतलब एक रास्ते वाली स्विच, मतलब एक पॉइंट से लाइट निकली है और दूसरे पॉइंट से आउट करवा ली गई है। फेस की सप्लाई दी गई है और दूसरे से ले ली गई है, इसका मतलब ये एक रास्ता बना दी है जाने के लिए, जिसमें हम एक रास्ता बना है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वन वे स्विच, मतलब एक रास्ते वाली स्विच। तो सबसे पहली स्विच हो जाती है हमारी वन वे स्विच। अब देखिए वन वे स्विच हमारी नॉर्मल और मॉड्यूलर दोनों में हो सकती है। देखिए दूसरा तरीका हम एक बोल दें, अगर हम लिख दें यहां पर तो वन वे स्विच हम बोल सकते हैं वन वे स्विच, और दूसरा हम एक बोल सकते हैं मॉड्यूलर स्विच। मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर का मतलब ये मॉडल में, यानी आज के टाइम में जो नई नई स्विचें आ रही है ना, जैसे जो देखिए ये मॉड्यूलर स्विच में हमने यहाँ पर लिया है, मॉड्यूलर का मतलब मॉडल में, मतलब जिसके अंदर ये जो स्क्रूप लगा ना, जैसे ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे स्क्रूप लगे हैं ना, जिसके अंदर ये स्क्रूप नहीं लगते हैं, एक मॉडल में होता है, नई नई बनावट की आ रही है, उसको मॉड्यूलर स्विच बोलते हैं। वो भी नॉर्मल हमारा वन वे स्विच हो सकती है, टू वे स्विच हो सकती है। तो ये वन वे स्विच हो गया। दूसरा तरीका स्विच का हम ये समझ लेते हैं, ये होता है एक हमारा बेड स्विच। बेड, बेल नहीं, बेड, बेड स्विच। बेड स्विच क्या होता है ये, इसको हम बेड स्विच क्यों बोलते हैं? देखिए ये स्विच का प्रयोग कहीं पर भी अस्थाई वायरिंग के कार्यों में किया जा सकता है। मतलब फिक्स वायरिंग नहीं है, अस्थायी रूप से एक बल्ब कहीं पे टांग दिया गया और दो तार लेके न्यूट्रल फेस जोड़ दिया गया, बल्ब तो डायरेक्ट जल ही रहा है, लेकिन अगर इस बल्ब को ऑन ऑफ करना है तो कहां से कर सकते हैं? तो इसके लिए कभी कभी हम बेड स्विच लटका देते हैं। अगर इस स्विच को जब हमें लगाना पड़ता है तो हम कहीं पर भी एक तार को तोड़ते हैं और दो तार इसे मिल जाते हैं, स्विच को कहीं पर भी ऐसे कनेक्शन करके जोड़ देते हैं, और अंदर का पॉइंट जो इसमें भी होता है, दो ही पॉइंट होता है तार जोड़ने के लिए, यानी एक में इन दूसरे से आउट करवा लेते हैं और ये अब वायरिंग हो गई। इस स्विच में एक फायदा ये होता है कि इसका पीछे का सिरा जो होता है ना वो कवर होता है, पैक होता है। मतलब अगर हम ऐसे स्विच को पकड़ करके टीप भी रहे हैं ना तो ये करंट मारने का डर नहीं है, क्योंकि जैसे ये सब स्विच है ये बॉडी में प्लेट में लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट खाली तार का पॉइंटर, ये देख रहे हैं ना, यहां से तार निकल जाएगा, यहीं से तार निकलेगा, अंदर खोल करके जोड़ के पैक कर दिया जाएगा, मतलब बंद।
यानी बेड स्विच, यानी कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी ये स्विच आ जाती है, देखिए हमारी बेल स्विच। बेल स्विच क्या होती है? बेल स्विच भी हमारी जैसे सभी नॉर्मल स्विच है ना, वन वे स्विच, ये उसी प्रकार की होती है। लेकिन बेल स्विच का फर्क ये होता है कि इस स्विच को जब तक दबाए रखेंगे तभी रहेगी, छोड़ देंगे वापस चली जाएगी। मतलब जैसे ये सब हमारी स्विच है कि हम नीचे की साइड में प्रेस कर दिए तो नीचे रहेगी, ऊपर की साइड में प्रेस कर दिए तो ऊपर रहेगी, लेकिन ये स्विच ऐसी होती है जब तक दबाए रखेंगे दबी रहेगी, छोड़ देंगे वापस चली जाएगी। यानी जैसे ही ये नॉर्मल है तो उसी तरह की वन वे स्विच के जैसे, फेस को एक में इन करवाइए दूसरे से आउट करवाइए, है तो उसी तरह की। डिफरेंट है कि लगातार जब तक ये नीचे दबाए रहेंगे तभी तक टच रहेगी, जैसे ही छोड़ देंगे ये पॉइंट छोड़ देगा यानी स्विच ऊपर चली जाएगी। ये जो हमारी बेल स्विच होती है ना, अब के टाइम में अलग अलग मॉडल के रूप में ये भी आ चुकी है, ये मॉड्यूलर में भी आ चुकी है, हमारा नॉर्मल तो था ही पहले से, इसी स्विच के अंदर अब इंडिकेटर भी आ गया है। यानी अब तक वायरिंग के नियम में ये बोला जाता था ना कि फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है और न्यूट्रल का वायर कभी भी स्विच में नहीं जाता है, लेकिन जिस स्विच के अंदर रेड कलर का इंडिकेटर लगा होगा उसमें न्यूट्रल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल नहीं जाएगा तो वो इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा, इंडिकेटर जलेगा नहीं। इंडिकेटर नहीं जलेगा तो लगने का फायदा ही क्या है? मतलब ये इंडिकेटर होना जरूरी है, अगर इंडिकेटर है तो न्यूट्रल देना जरूरी है। आप समझिए, ये हमारी हो गई बेल स्विच। मतलब बेल स्विच हमारी देखिए मॉड्यूलर में भी हो सकती है, बेल स्विच हमारी नॉर्मल इस तरह की हो सकती है, बिना इंडिकेटर वाली भी हो सकती है। बेल स्विच हमारी देखिए दो, ये इसमें हमारी बेड स्विच में भी बेल स्विच हो सकती है, मतलब फिक्स रूप से ऐसे तार लटकाने वाला, ऐसे में भी बेल स्विच मिल जाती है, यानी ये भी देखिए बेल स्विच ही है। तो इन तीनों तरह की बेल स्विच हो सकती है, मॉड्यूलर और नॉर्मल, ये सब तो अलग बात है ना। प्रकार की बात करें तो ये हमारी बेल स्विच है, बस एक ही है, ये तीनों एक ही है। इसके अलावा अगली स्विच की बात करें तो अगली स्विच हमारी यहाँ पर है टू वे स्विच, ये वाली देख सकते हैं, ये है टू वे स्विच। टू वे स्विच के अंदर तार जोड़ने के पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीन पॉइंट है तार जोड़ने के लिए, तीन पॉइंट। यानी इन सभी स्विचों में तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं, लेकिन जो टू वे स्विच होती है उसमें तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट होते हैं। आखिर इन तीनों में कनेक्शन कहाँ करते हैं, समझना है तो ये समझिए कि जैसे ये वन वे स्विच होती है तो वो टू वे स्विच है। समझिए, एक ही बल्ब से दो उपकरण को अगर चलाना हो तो देखिए कैसे काम करेगा। जैसे अगर एक बल्ब यहां लगा दिया गया और एक बल्ब यहां लगा दिया गया, थोड़ा सा पहले इस स्विच को हम ये समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये स्विच जो है ना, जब हम इस स्विच को नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो ये बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होता है, और जब हम इसी स्विच को ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होता है। एक टाइम में एक ही में टच होता है, दोनों पे एक साथ टच नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये स्विच ऐसा भी नहीं है कि ये बीच में ही रुक जाए, किसी पे टच ना हो, ऐसा भी नहीं है। यानी एक ना एक पे जरूर टच रहेगी। मतलब समझिए, जैसे ये स्विच है, ये पॉइंट है, सॉरी यहां पर देखिए, जैसे ये स्विच है, यहां पर ये स्विच है, बीच में ये स्विच है और ये पॉइंट है। अगर देखिए यहां पर जैसे हमने इसको प्रेस किया नीचे की साइड, तो बीच से नीचे टच है, ऊपर छोड़ दिया, और जब हम ऊपर टच कर रहे हैं तो बीच से ऊपर टच है, नीचे छोड़ दिया। एक टाइम में एक ही पॉइंट पे टच हो सकता है। अब अगर इसकी वायरिंग की बात करें तो देखिए वायरिंग का नियम, न्यूट्रल के वायर को अगर हम दोनों बल्बों में डायरेक्ट जोड़ दें और फेस के वायर को इस स्विच के बीच में जोड़ दें, और स्विच को अगर हम ऊपर वाले को यहां जोड़ दें एक बल्ब में, नीचे वाले को दूसरे में जोड़ दें, तो सोच के देखिए कि इस स्विच को अगर हम ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो क्या हमारा दोनों बल्ब जलेगा? नहीं, ये बल्ब एक नंबर है, ये बल्ब दो नंबर है। इस अवस्था में एक नंबर वाला बल्ब हमारा जलेगा कैसे? ये फेस की सप्लाई है, यहाँ बीच वाले पॉइंट पे पहुंची, एक पॉइंट से आउट हुआ, यहां से सप्लाई निकल करके गई, तो एक नंबर बल्ब जो हमारा वो ग्लो करने लगेगा, यानी जलने लगेगा। और जैसे ही स्विच को नीचे दबाएंगे ये ऊपर वाला पॉइंट छोड़ देगा, नीचे टच हो जाएगा, और जब नीचे टच होगा तो ये फेस की सप्लाई नीचे वाले बल्ब में, यानी दो नंबर बल्ब में पहुंचेगी, और ये दूसरा बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा बल्ब भी काम करने लगेगा। यानी ये टू वे स्विच जो होती है ना, ये दो रास्ते वाली स्विच होती है। देखिए
इसका यूज हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं, सीढ़ी कनेक्शन में करते हैं, मतलब बहुत सारी जगहों में करते हैं जहां पे आपको इसकी जरूरत हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो बल्बों के लिए किया जा सकता है। देखिए इसका प्रयोग कई बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पे किया जा सकता है। अगर दो फेस की बात हो, कहीं कहीं पे मान लीजिए फेस वन हो फेस टू हो, और यहाँ पर भी हम 2A स्विच का यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। एक बल्ब लगाया हमने, न्यूट्रल दे दिया, फेस वन को ऊपर जोड़ा, फेस टू को नीचे जोड़ा, बीच वाले को बल्ब में जोड़ा। अब अगर हम स्विच को ऊपर की साइड प्रेस करेंगे तो फेस वन की लाइट जाएगी और बल्ब जलेगा, और अगर स्विच को नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो फेस टू की लाइट जाएगी और बल्ब जलेगा। यानी ये 2A स्विच है, बस काम इसका इतना ही है कि नीचे दबाते हैं तो बीच वाला पॉइंट नीचे टच होता है और ऊपर करते हैं तो बीच वाला पॉइंट ऊपर टच होता है, बस इसका इतना ही काम होता है। ये 2A स्विच, देखिए 2A स्विच जो होती है वो हमारी बेड स्विच में भी उपलब्ध होती है। ये बेड स्विच समझिए, बेड स्विच में देखिए हमारी बेल स्विच भी, यानी सभी स्विचे सभी प्रकारों में भी उपलब्ध होती है, मॉड्यूलर में भी उपलब्ध होती है, नॉर्मल स्क्रूप में भी उपलब्ध होती है। अब इसके अलावा हमारा एक नया तरीका स्विच का ये आया है, डिजिटल टच स्मार्ट स्विच, यानी ये टच वाली स्विच है जिसको हमने टच करके किसी भी बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमने अभी जल्द ही इस स्विच का कनेक्शन वायरिंग प्रैक्टिकल के साथ वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये टच वाली स्विच हो सकती है, तो टच वाली स्विच का कनेक्शन और भी आसान हो गया है। टच वाले बोर्ड में इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है टच वाले में, क्योंकि ये जो चारों स्विच है ना बहुत ही कम जगह में ज्यादा स्विच लगा सकते हैं। देखिए दो मॉडल की जगह चार स्विच लग जाती है, फिर दो मॉडल की जगह चार स्विच, दो मॉडल की जगह चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, यानी बारह स्विच, तो इतने में बारह दूनी चौबीस स्विच लगी हुई है, समझिए इतने बड़े में। यानी यह मॉड्यूलर स्विच है, नए जमाने के स्विच है, आने वाले टाइम में इस स्विच का यूज ज्यादा किया जाएगा क्योंकि देखने में अच्छी लगती है पहली बात, दूसरी बात कम जगह में ज्यादा स्विचे लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा किसी घर में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी बात इंडिकेटर लगाने जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सभी को कवर करने वाला है। दूसरी बात, ये स्विच वाईफाई से भी काम करता है, बिना अपने बेड से उठे मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कहीं भी दूर लगे फैन को बल्ब को टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये उन सारों में भी काम करेगा। तो इस प्रकार से स्विचे हमारे इतने सारे प्रकार की होती है, लगभग छह प्रकार है यहाँ पर, और ये सभी प्रकार की होती है, इस प्रकार से हमारी स्विचे काम करती है। इन स्विचों से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।